जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। जिला अररिया के प्रखंड अररिया ग्राम पंचायत राज अररिया बस्ती की पंचायत समिति सदस्य जमीना खातून के प्रतिनिधि जियाउद्दीन अंसारी ने जनता की हो रही समस्या पर क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। नमस्कार, कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आइए जानते हैं जिला अररिया प्रखंड अररिया के ग्राम पंचायत अररिया बस्ती के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 से पंचायत समिति सदस्य जमीना खातून के प्रतिनिधि से इनका परिचय। मैं मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ जी। और यहाँ विकास जो होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हो चुकी है, नहीं हुई है जी। और विकास के लिए हम लोग हर पल कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे समाज के अंदर में जो बदहाली है जी, वो बहुत ही जल्दी उसका निराकरण हो जी। और हम समझते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। गरीबों का जनसंख्या हमारे पंचायत में बहुत ही ज़्यादा है, जिसके वजह से हम लोगों की बदहाली दूर नहीं हो रही है। विशेषकर इस पंचायत में जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं आपको दिख रहा है महोदय? अफसरशाही बढ़ा हुआ है, कहीं कोई काज ऐसा नहीं हो पाता है। जिस जगह में भी जाइए ये पीसी वाला मामला बहुत ज्यादा चला हुआ है। और खास कर के गरीब लोग जो हैं वो एक बार दो बार चक्कर काटते हैं, उसके अलावा थक जाते हैं, बेचारा पापी पेट का सवाल है, कमाने कोड़ने में लग जाते हैं और कहीं उस कहीं कुछ नहीं है। आपकी मैडम जब से चुनाव जीती हैं यानी 2021 से लेकर क्रमशः आज तक, क्या कुछ विकास आपके माध्यम से हुआ इस पंचायत के लिए? जी, दो गो हम नरेगा वाला रोड बनवाए हैं, एक सर्वनिष्ठ शौचालय हम जो बना रहे हैं सामने है और उसी के सामने हम बैठ करके ये बातचीत कर रहे हैं जी। बस ये तीन गो जी। और क्या कुछ समस्याएं दिख रही हैं सर विकास के लिए इस पंचायत में आपको? इस समाज में सबसे पहले तो नाला बनना चाहिए जी, और उनके बाद शौचालय का काज होना चाहिए जी जी, जिससे आम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है, बीमारी होती है, वो उस चीज से दूर हो जाए। शौचालय जब हो जाएगा तो गंदगी दूर हो जाएगी और उससे हर तरीके का लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो ये चीज एकदम सख्त जरूरी है, जिसके वजह से हम लोगों के यहाँ अभी पूरा एकदम ये सब चीज से वंचित हैं। और जैसे माल मवेशी पालने के लिए लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो सोन तो 0.0 कोई चीज हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि कल के डेट में क्या होगा कहना मुश्किल है। महोदय, विशेषकर समाज को सुदृढ़ करने में शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपकी क्या सोच बन रही है विकसित करने के लिए इस पंचायत को? सर, हम ये बताते हैं कि जब से हम बने हैं जितने भी यहाँ पे शिक्षा स्कूल हैं सबका हम भरपन करते हैं और बहुत अच्छी अभी चल रहा है जी जी। हाँ, थोड़ी सी आने जाने में लेडीज वन होती है, कठिनाई हो जाती है, लेकिन रेगुलर टाइम पर आती है। तो सर, स्कूल का भ्रमण किए आप, तो आपको क्या कुछ मिला कि बच्चों को सही मध्याह्न भोजन मिल रहा है? जी, मध्याह्न भोजन भी मिल रही है और शिक्षा भी सही प्राप्त हो रहा है जी जी। अब आते हैं सर के इस पंचायत में रोड सड़क की क्या स्थिति है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे समिति महोदय? रोड सड़क ग्रामीण में बिल्कुल ही नहीं के बराबर हैं और कुछ पूर्व जो बने हैं उसमें सारे टूट फूट हो रहे हैं, उसके मरम्मती होना चाहिए, उस पर फिर से होना चाहिए काज, लेकिन अभी बिहार सरकार के तरफ से ऐसा योजना नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग नरेगा फंड से काम जो करते हैं जी, तो पक्की कारोबार के लिए उसका बिल, जैसे कारोबार हम कहीं से भी किए हैं तो उधार पहचा जो होता है जी, मुश्किल से मान के चलिए 15-20 दिन के लिए देता है आदमी, और यहाँ सालों साल लग जाता है जिसका पेमेंट हो नहीं पाता, मजबूरन हम लोग नहीं कर पाते हैं।
किसी भी फंड जोतने के लिए बिहार सरकार के ओर से कम 50% पैसा मतलब एडवांस देना चाहिए, जिससे कारोबार हम लोग चालू करें। वो ऐसा स्थिति होता है कि एक रुपया भी एडवांस बुकिंग नहीं है, काम करने के बाद फाइनल करने के बाद ही पेमेंट दिया जाता है, तो इसमें हम लोग नासफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं जी, असफल हो रहे हैं। काफी कठिनाइयां भी आ रही होंगी सर, जब पॉकेट में माल ना हो और काम करने की चेष्टा अंतरात्मा में जगे तो उस समय आप काफी परेशान होते हुए दिख रहे होंगे अपने आप को। जी, जनता के लिए हम काफी इस परेशानी को कठिनाई के मोड़ से निकलना पड़ता है। जैसे अभी शौचालय जो बन रहा है, सर्वनिर्मित शौचालय, लगभग इस काम हम जो चालू किए हैं, पास में एक टाइल लगने के लिए बाकी है, जो लेबर लगे हुए हैं वो भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूंजी के अभाव में इतने दिन लगा और इसमें हम लोगों को बहुत नुकसानी उठाना पड़ता है। एस्टिमेट हम लोगों का 4,32,000 रुपये का है और इसमें मिनिमम लगभग 5,00,000 के आसपास पड़ रहा है। ये घर से हम लोगों को लगाना पड़ता है, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए घर से लगा रहे हैं जी। तो ऐसी ऐसी हालात है। धन्यवाद। अभी आपने सुना ग्राम पंचायत अररिया बस्ती के पंचायत समिति सदस्य जमीना खातून के प्रतिनिधि जियाउद्दीन की विचारधारा, जिन्होंने अपने विचार से कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज।